20 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, हम सो नहीं पाते। हमें लगता है कि सच सामने आना चाहिए ना, सच क्यों नहीं आना चाहिए? हम सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, हमें लगता है हम उठे जाए और जिया की ओर से वहां जाए और सच को दुनिया को बताए। क्या ये अपराध हो सकता है? ये कोई अपराध नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है, हम सबकी संवैधानिक ड्यूटी है, सच बोले और देश की मदद करें। हम वहां जाते हैं, जिया के लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हम देखते हैं सड़कों में राख है, जले हुए घर हैं, जले हुए वाहन हैं, जली हुई दुकानें हैं, रोते हुए लोग हैं। हम कई दिन तक जाते हैं, लगातार जाते हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को हम सोशल मीडिया में देते हैं, हम सरकार को देते हैं कि हम मानते हैं कि इसमें एक एनआईए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान आता है कि प्री प्लांट कॉन्स्पिरेसी है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है जी। कॉन्स्पिरेसी कैसी है कि इतने दंगाई छत पर एक समय पर कैसे आए, इतना असला किसी के छत पर एक समय पर कैसे आया, इतने स्कूल से बच्चों को उनके माता पिता ने विड्रॉ कैसे किया कि नहीं आज तो 2 बजे बलवा होने वाला है, हम तो 12 बजे छुट्टी कर दो, हम तो यहाँ स्कूल से बच्चों को लेकर जाएंगे। इतने व्हाट्सएप मैसेजेस में ध्यान में कैसे आया कि सड़क तुम छतों के ऊपर पत्थर जमा करो, तुम अपने गेट्स के अंदर करंट दौड़ा दो, तुम ध्यान रखो कि अगर सब लोग बाहर जाएंगे दंगा होगा तो आदमियों को औरतों को छोड़कर नहीं जाना, कुछ आदमी हजरात वहां